हरे कृष्ण अभी तक जो हमने सेशंस लिए हरे कृष्ण ओम ज्ञान तुम्हें से ज्ञान जन सुनाते जब शुरू में तो मेरा तस्मय श्री गुरु नम अभी तक जितने हमने सेशंस लिए उसका आज डाउट क्लैरिफिकेशन रखेंगे और जो भी डाउट्स हैं जिनको भी जहाँ से अगर आप मैसेज में भी करेंगे या पहले जो आप लोगों ने डाउट पूछे हैं उनके वो सबको अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। गंगा जी को लेके कुछ डाउट आया, गंगा जी कहाँ से कहाँ आती है, कहाँ से जाती है, ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के बाहर एक पतला सा कवर दिखा रहे हैं लेकिन इसके ऊपर ये बड़ा जटिल है, लेकिन ये समझिए कि ये सेंटर है ब्रह्मांड का हमारा, और यहाँ से जो सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है 250 मिलियन योजन, एक योजन जो होता है 8 मील के बराबर, ये इसका डिस्टेंस है ब्रह्मांड के सेंटर से लेकर किनारे तक। तो ये टोटल हो गया, ये हो गया 500। इसके बाहर इतना ये है, इसका 10 गुना मिट्टी का कवर होता है, मतलब 5000 मिलियन ये मिट्टी है, इतना मोटा कवर मिट्टी का। हरे कृष्ण। उसके बाहर 50,000 मिलियन मीटर का पानी का कवर होगा, उसके बाहर उससे 10 गुना आग का कवर होगा, ऐसे 10 गुना 10 गुना 10 गुना आग, हवा, साउंड, इधर मन बुद्धि अहंकार, ये जब सारा मिल जाएगा तो एक ब्रह्मांड कहलाएगा जिसमें हम रह रहे हैं। और साइंटिस्ट कहते हैं कि उनको दूसरे ब्रह्मांड के तारे दिखते हैं, कैसे संभव है, बीच में इतना बड़ा धरती का कवर है, देख कैसे सकता है। मतलब तो साइंटिस्ट को जो दिख रहा है इसी गोले के अंदर की चीज़ें दिख रही है। तो ये जो है वामन देव ने जब इस पर जब लात मारा, वामन देव जब धरती पर थे और धरती से जो उन्होंने त्रिविक्रम का जो उन्होंने कदम बढ़ाया और इसको जो लात मारा, ये पूरा जो अर्थ का लेयर है क्रैक हो गया, ये पूरा पानी ये सब क्रैक होके इस ब्रह्मांड के बाहर जो विरजा नदी है उस नदी का पानी जो वहाँ से लीक होके जो गिरा है ना, तो ये जो गिरा है ये बन गया गंगा, ये बना गंगा। गंगा कहाँ से आई, ये पानी भी नहीं, इसके ये जो पानी है ना ये पानी नहीं आया यहाँ गंगा के रूप। अब इस पानी के बीच से वो पानी बीच से कैसे निकल के आया, ये बावन से पूछिए अगर उन्होंने कैसे उस पानी को इस पानी के बीच में से निकाला। और पूरा पानी जब यहाँ गिरा, अब जब यहाँ गिर गया तो हम यहाँ का डिटेल आपको बता सकते हैं यहाँ कैसे क्या हुआ। ये पानी गिरा और ये है हम ब्रह्मांड का मिडिल पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ऊपर दिखाना है, बहुत शायद नीचे नहीं दिख रहा, यहाँ तक दिख रहा है, देखो यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ हाँ यहाँ मेरू पर्वत,
भूमंडल। एक दो तीन चार पांच और दो बनेंगे। हमारा बोर्ड दिख रहा है क्या? ये है जम्बूद्वीप, ठीक है, ये है पलक्षद्वीप, ऐसे एक 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 एक, एक सात द्वीप है और बीच बीच में ओशन है। जम्बूद्वीप और पलक्षद्वीप के बीच में ये सॉल्ट ओशन, ये ओशन, सात प्रकार हमने पहले बताया हुआ है। तो ये मेरू का पर्वत है बीच में और ये है जम्बूद्वीप, इतना सा पार्ट। इस जम्बूद्वीप के अगर आप ऐसे देखिएगा, इस पहाड़ को ऐसा झुका के अपनी तरफ अगर आप देखिएगा तो कैसा दिखेगा हम बताते हैं। पहले गंगा जी उतरी और सीधा मेरू के बीच में गिरी, चार धाराएं निकली मेरू से, एक धारा जो सदन साइड में जो निकली वो बह के हमारे अर्थ पे आ गई और हमारे अर्थ पे जो आई यहाँ से निकल के पाताल लोकों में चली। ये है गंगा जी का, नो कन्फ्यूजन, एकदम क्लियर है। कोई भी सवाल हो आप पीछे मैसेज कर दीजिएगा, बाद में भी कर दीजिएगा तो आ जाएगा। चलो हम बीच बीच में क्वेश्चंस देख रहे हैं। अच्छा ये ठीक है, गंगा जी, ये गंगा जी ऐसे आते हैं और धरती पे जो गंगा जी है वो जहाँ पे गोमुख है वहां से निकल रही है। गोमुख से आके गंगोत्री जाएगी, गंगोत्री से आगे जाएगी, फिर तो आपका पूरा रूट है गंगोत्री से आगे। कैसे उतरते हुए देव प्रयाग होते हुए, रुद्रप्रयाग, देव प्रयाग, सारे प्रयाग होते हुए धूमधाम के अलग नंदा से मिलते हुए नीचे उतरेगी ऋषिकेश और हरिद्वार, और वहाँ पे आप लोगों ने डैम बना लिया है पानी के ऊपर और कहते हैं कि सबसे ऊंचा डैम बना हुआ है ऊपर में, है ना, टेहरी गढ़वाल में, जो भी है। तो ये जो है गंगा जी का पानी नीचे उतर, ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर है। हरे कृष्ण। अब इसको हम लोग, इसी प्लेट को हम लोग ऐसा सीधा करते हैं। यहाँ मेरू है और मेरू के चारों तरफ ये जम्बूद्वीप, ये आपके तरफ आ रहा है मेरू, ऐसा जा रहा है ना, और ये वर्ष है, तीन तीन पहाड़ है, इधर भी तीन है, इधर भी तीन। तो ये जो सबसे साउथ का जो पहाड़ है ये हिमालय, ये भी एक सवाल था लोगों का, ये हिमालय, ये हिमालय पहाड़, ये है मेरू। आप ध्यान दीजिए कि किसी चीज को आप ऐसा उलट के देख रहे हैं, थोड़ा आपका दिमाग उलटेगा, है ना, लेकिन जिनको थोड़ा सा आर्किटेक्ट का सेंस है उनको कुछ दिमाग नहीं होता। तो हिमालय जो पहाड़ है, ये पहाड़ ये पूरा इतना वाइट पे फैला है और इस हिमालय के नीचे ये नौ भाग बटे हैं, ये आठ भाग बटे हैं, ये आठ भाग जो है ये पूरा का पूरा जो एरिया है हिमालय से साउथ वाला, ये कहलाता है भारतवर्ष। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कट गया। ओके, ये पूरा जो एरिया है कहलाता है भारतवर्ष। बस ये कुछ दिनों की दिक्कत है और जल्दी हम ऐसा इसको प्रॉपर इसको सेटिंग कर देंगे और शायद तब तक स्क्रीन आ जाएगा तो स्क्रीन में ही दिखेगा आपको। तो ये नौ जो है पूरे के पूरे भारतवर्ष है, इसमें जो सबसे दक्षिण दिख रहा है, नहीं दिख रहा, वो पकड़ना पड़ेगा, पकड़ कर, इसको ऊपर नीचे कर सकते,
तो नीचे कर दो, इससे हो जाता है बस हो जाता। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष ये 9 भाग है, लाइक भारतवर्ष के 9 भाग है। 9 भाग में जो सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है, ये जो सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है इसको कहते हैं भारत खंड, भारत खंड। भारत खंड है, भारत खंड। और ये जो भारत खंड है ये फ्लैट नहीं होके ये बेल के फल के जैसा चिपका हुआ है, इसे फ्लैट लैंड नहीं होके बेल के फल के जैसा चिपका हुआ। इसे बेल का फल कैसा होता है, ऐसा ऐसा गोल सी चीज चिपकी हुई है, और इसको हम लोग कहते हैं धरती, जिसको ये लोग कह रहे हैं भारत खंड। यह हिमालय पर्वत है ना, ये अलग अलग पर्वत हैं, यहाँ पे हिमालय है, इसके बाद ये आपका मेरू है, इसके बाद ये सब अलग अलग, ये जो पर्वत है ये पर्वत है, 3 पर्वत है, और तीनों पर्वत के बीच बीच में जो जगह है वो अलग अलग जगह है। और मेरू के आसपास का जो एरिया है इसको कहते हैं इलावित वर्ष, ये हमने बहुत डिटेल में बताया है अपने पहले के लिए, हम फिर से इसको डिटेल में नहीं घुसेंगे। तो अब ये सवाल है कि अगर ये हिमालय है जो भारतवर्ष के उत्तर में है, तो धरती पे जो हिमालय है वो क्या है ना, तो धरती पे भी एक हिमालय है ना, एक हिमालय धरती पे है, और इस हिमालय का हाइट है 1 योजन 8 मील, और इस हिमालय का हाइट है 1000 योजन 8000 मील, 8000 मील इसका हाइट। दिख रहा है तो ये जो हिमालय है, ये हिमालय और ये हिमालय, इसको कहते हैं पैरेलल वर्ल्ड्स, पैरेलल वर्ल्ड्स। इस हिमालय का उस हिमालय से कनेक्शन है, और ये कैसे कनेक्शंस रहते हैं, जैसे कि अगर आप वृंदावन जाओगे और वृंदावन में कहते हैं कोई शरीर छोड़ देगा तो वो आध्यात्मिक वृंदावन में पहुंच जाएगा, इसका इस वृंदावन का और उस वृंदावन का कनेक्शन है। अगर यहाँ के काशी में कोई मर जाए तो कहते हैं वो उसका जो मुक्ति हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो काशी में मरेगा वो जो भगवान का जो शिव जी का जो नित्य काशी है, जो उनका नित्य जगत है, वहाँ मरने के जैसा उसको फल मिल जाता है, जिसको पैरेलल वर्ल्ड्स कहते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में मान लीजिए अमेरिकन एम्बेसी है, तो अमेरिकन एम्बेसी क्या करता है, अमेरिकन एम्बेसी एक वहाँ पे एम्बेसी के अंदर जो है उसके अंदर अगर आप पहुँच गए वहाँ पे इंडिया के रूल्स नहीं लगते, अमेरिकन एम्बेसी के एरिया में अमेरिका के रूल लगने लगते, तो है इंडिया की धरती पे लेकिन फंक्शनली कैसा है, अमेरिकन है ना, लेकिन कुछ कुछ नियम उनके नहीं चलते, जैसे कि जिस दिन इंडिया गवर्नमेंट चाहेगी उसको यहाँ से निकाल सकते एम्बेसी, इतना ही है, लेकिन जब तक उसको रखा है तब तक उसके नियम चलते रहे। तो वैसे ही ये जो पैरेलल वर्ल्ड्स होते हैं वृंदावन काशी मथुरा जो भी हैं, इनके यहाँ वाले जो वृंदावन है यहाँ पे आपको कृष्ण नहीं दिखेंगे है ना, लेकिन कृष्ण को दिखना छोड़ के बाकी सारे इफेक्ट में आपको कृष्ण जैसा ही फील होगा। आप वृंदावन चले जाओगे, एक बार एक दूध के एक बड़े सेठ जी हैं इंडिया में, नंबर 4 या नंबर 5 पे रहते हैं, तो पहले बहुत छोटे थे वो तो एक बार हम मिलने गए थे, काफ़ी मोटे हैं भाई हैं बुजू भाई तो वो जब पैर छूने के लिए ऐसे हाथ बढ़ाए तो हाथ भी नहीं आ रहा था उनका आगे, काफ़ी मोटे थे तो
खैर, लेकिन वो कह रहे थे मुझे कि जब मैं वृंदावन जा रहा था ट्रेन से जा रहे, तो ट्रेन से जब मैं बोला वृंदावन की धरती को छूके वाइब्रेशन फील होने लगा मुझे। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े महात्मा हैं और उन्हें सब घर वार छोड़ के वैराग लेके संसार छोड़ के रात दिन भजन कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति नहीं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो उस जमाने में जब मैं मिला था तो दिन में 5 लाख लीटर दूध का प्रोडक्शन किया करते थे। बहुत साल पहली बात है, 10-15 साल पुरानी बात है। अब तो पूरे भारत में वो नंबर 4 या 5 पे है। तो वो जो हैं उनको भी बोले कि मुझे भी फील हो रहा था, जैसे पैर रखा ना मुझे सर वाइब्रेशन फील होने लगा वहाँ। तो ये दिखता है कि कोई सादी सी जगह लग रही है, लेकिन ये सादी सी जगह नहीं है। मेरा चैलेंज है सब नास्तिकों के, तुम वृंदावन में आके रोज 4 घंटा 1 हफ्ते तक बैठ के तुम भजन करो। अगर तुमको विश्वास है कि कुछ काम नहीं करता है, करके देखो। अगर उसके बाद तुम्हारा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब खत्म नहीं हो जाए और तुमको वृंदावन का चस्का नहीं लग जाए तो तुम बोल दो। वो ऐसी जगह ही है, सांझ को आज क्या है ना। जैसे एक प्रूफ है, एक हमारे रसराज प्रभु है, भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट है जुहू में, उसके वो HOD हैं, सर्वे सर्वा वही है। तो वो कहते हैं बहुत क्वांटम फिजिक्स के बहुत सारे एग्जांपल्स बोलते हैं और कई बार तो भक्तों के ऊपर से भी जाता है, लेकिन जो अंदर आ जाता है उसमें से कुछ बता रहे हैं। वो कह रहे थे कि अगर किसी को भगवान के डेटी फॉर्म पे विश्वास नहीं है तो एक चीज़ करना चाहिए, उसको डेटीज के पास जाके ये बोलना चाहिए कि मेरा काम जो है लस्ट है कम करना, ऐसा 5 दिन प्रेयर करना चाहिए। और उसको 6ठे दिन खुद बोलना चाहिए कि क्या हो। आप बोलेंगे मैं क्यों करूँगा, मतलब तू डर गया ना, तू डर गया ना कि कम हो जाएगा। और तू जानता है काम कम होने का मतलब है फिर तो तेरा एग्जिस्टेंस खतरे में, तू करेगा क्या आगे जाके। इस माय चैलेंज टू ऑल एथिस्ट एग्नोस्टिक्स, करके देख हफ्ते भर प्रेयर्स करके देख, नहीं तो हफ्ते भर वृंदावन में आके 4-4 घंटा भजन करके देख, तेरा एकदम दिमाग सीधा हो जाएगा। क्योंकि वो जगह में पावर ही ऐसा है, वो सादी सी जगह दिख रही है नहीं। वैसे ये जो हिमालय है ये बड़े हिमालय से कनेक्टेड है, इस हिमालय का इस हिमालय से कनेक्शन है। और ये जो हिमालय है, जो उत्तर हिमालय जिसको कहते हैं, ये हिमालय पे बड़ा बद्रिकाश्रम, बड़े वाले हिमालय। और इधर जो हिमालय दिख रहा है आपको और इसमें जो बद्रिकाश्रम दिख रहा है, ये छोटा है, एक्सटेंशन काउंटर जैसे बैंक होता है ना, बड़ा बैंक, उसका किसी कॉलेज में एक एक्सटेंशन काउंटर होता है। तो एक्सटेंशन काउंटर में पैसा जमा करेंगे तो मेन बैंक में जमा हो जाता है, वहाँ से पैसे निकाल भी सकते हैं, जमा भी करा सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। वैसे ये जो बद्रिकाश्रम है हमारे लैंड पे, धरती पे, हमारे भारत भूमि में जो है, वो एक्सटेंशन काउंटर है। ओरिजिनल बद्रिकाश्रम इस हिमालय पे, जो यहाँ पे बड़ा हिमालय, जो पूरा भारतवर्ष 9 भाग में बांट के दिखाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9वां तो धरती है जो चिपकी हुई है इसमें। और धरती घूमती उमती नहीं है, मैंने 3-4 बार प्रूव कर दिया है, आई डोंट थिंक उसमें कोई कन्फ्यूजन है किसी। तो ये 9 भाग में बटा हुआ है। तो ये हिमालय जो है ये सबसे उसका जो उत्तरी छोर है, और भारतवर्ष के जो भगवान हैं वो नर नारायण है जो यहाँ रहते हैं, लेकिन हमारे धरती पे जो हिमालय है वहाँ पे भी है। क्योंकि हमारे धरती के जो लोग हैं उनमें वो शक्ति नहीं है कि कलयुग में खास करके कि यहाँ तक जा सके इस हिमालय तक, बड़े हिमालय तक, और नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ पे व्यवस्था किया गया है कि वही फल आपको मिलेगा, इस काउंटर में जमा कर दीजिएगा, उस काउंटर में उसका मेन ब्रांच में उसका एंट्री हो जाएगा। तो इसलिए ये फ़ायदा है कलयुग के लोगों के लिए। और हाँ, और मध्वाचार्य की कहानी आज से करीब 1000 साल पहले की बात है, 1200 साल पहले की। मध्वाचार्य गए थे इस हिमालय से छलांग लगा के इस हिमालय पे, और वहाँ पे वेद व्यास को साक्षात मिले, और साक्षात मिलके उन्होंने 5वां, जब वो वापस आए तो जो जोशी मठ था और जो सब शंकराचार्य के फॉलोअर्स थे वो लोग मानने को तैयार नहीं थे कि ये वेद व्यास को मिल के आए।
तो उन्होंने जो पांचवें स्कंद को जो उन्होंने टीका देना चालू किया और साक्षात लग रहा था सरस्वती बोलना चालू कर दिया, सब लोगों ने निर्विवाद रूप से एक्सेप्ट किया कि ये वेद व्यास को मिल गया, और सारे स्कॉलर्स उनके राइवल स्कॉलर्स ने एक्सेप्ट किया कि वो वेद व्यास को मिल गया। इसका मतलब ये हिमालय और ये हिमालय का कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन लग जाता है वो पता नहीं, लेकिन वो हर जगह से नहीं होता कनेक्शन। अगर आपको इस हिमालय से उस हिमालय जाना है तो इस हिमालय में आपको ऐसे जगह से आपको टर्न लेने पड़ेंगे जहाँ उस हिमालय को रास्ता हो, और नंबर एक। नंबर दो, जब आप उस डायमेंशन में प्रवेश करने लगोगे, इस डायमेंशन से उस डायमेंशन में, मतलब इस दुनिया के जो भी डायमेंशन लंबाई चौड़ाई से, जैसे इस बड़े हिमालय के डायमेंशन प्रवेश करोगे, तो वो प्रवेश करना बड़ी चीज़ नहीं है। क्या बड़ी चीज़ है? वापस आना। कहीं जाना बड़ा चीज़ नहीं है, आना बड़ा चीज़ है, है ना। तो लोग जा तो सकते हैं लेकिन वहाँ से आएंगे कैसे? वहाँ से रिटर्न की टेक्निक भी पता होनी चाहिए ना। मध्वाचार्य वहाँ से जाके सारा शास्त्र ओरिजिनल लेके आए उस हिमालय से इस हिमालय। हरे कृष्ण। अभी भी कोई डाउट है तो आप यहाँ देखिए कमेंट में, मैं चेक कर रहा हूँ। कोई कमेंट नहीं है हमका, ओके। और कुछ भी रहेगा तो आप डाल दीजिए बाद में भी, इसको हम देते रहेंगे। डाउट्स हमारा फेवरेट सेक्शन है, इसको मिटा रहे हैं। हरे कृष्ण। और यहाँ पे है रम्यक वर्ष, एक बस ऐड कर रहा हूँ, रम्यक वर्ष। और इस रम्यक वर्ष में मनु महाराज ने, मनु महाराज यहाँ रम्यक वर्ष में रहते, रम्यक वर्ष। और हम इतना बड़ा जम्बूद्वीप ही है, उसके बाद ये सॉल्ट ओशन है, उसके बाद पलक्षद्वीप है, और हम सोचते हैं हम बहुत बड़े हैं। हमको तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे सॉल्ट ओशन है बाहर। अरे चलिए बालकांड में आ जाए, अगर आपने ये सुन लिया है। कल हम बता रहे थे गंगा जी को भागीरथ ने लाया, भागीरथ के बाद कई पीढ़ियां गुजरी, करीब 20 पीढ़ियां, तो खटवांग महाराज का जन्म हुआ। ये जो हमने पीढ़ियों का गिनती किया है ये भागवतम से किया है। कई बार जो कथाकार लोग हैं वो तुलसीदास जी के मानस को पढ़ के गिनते हैं, लेकिन चूंकि मैं भागवत संदर्भ से बोल रहा हूँ इसलिए मैं भागवतम के अनुसार बोल रहा हूँ। दोनों में फर्क इसलिए हो सकता है कि भागवत जो चर्चा कर रहा है जिस काल की, और वो जो कर रहे हैं, और वाल्मीकि जिस काल की चर्चा कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में जो राम कथा जो लिया हुआ है, वाल्मीकि जिस राम की बात कर रहे हैं वो अभी चल रहा है 2800 दिव्ययुग, वो 28वें के थे ही नहीं, वो 24वें दिव्ययुग के थे, तो करीब करोड़ों साल पहले के राम की बात कर रहे हैं। ये दो, ये मध्वाचार्य और ये जीव गोस्वामी, दो लोग इसको कंफर्म करते हैं। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जो रामायण कह रहे हैं, लगता है कि अभी जो भगवान राम आगे गए उनके बारे में कह रहे हैं, उनका कोई चर्चा नहीं है कि ये कौन सा राम की बात कर रहे हैं, कब वाले राम की बात कर रहे हैं। और तुलसीदास जी जो राम की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ लिखा नहीं कि कौन से राम की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये कथा उन्होंने शिव जी से सुना है। तो अगर कोई शिव जी से मिलेंगे तो पूछ लीजिएगा कि कौन से राम की बात की है, कौन से त्रेता युग वाले राम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर त्रेता युग में रामायण थोड़ा सा वर्जन्स आगे पीछे होता है। और हम पूरा रामायण आपको यह नहीं सुनाने वाले हैं, हमने रामायण यूट्यूब में अपने लिंक 42 लेक्चर्स का पूरा कंप्लीट रामायण दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरा रामायण सुन सकते हैं। मैं बाद में आपको लिंक शेयर कर दूँगा अपने पेज पे, अपने इसमें भी आज कर दूँगा, मैं यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूँगा, आप सब लोग देख सकते हैं वहाँ से कम्प्लीट रामायण है। मैं आपको एकदम केवल लेसन्स और जो आपको बहुत पंच लगे उन चीज़ों को मैं ले लेके निकालूँगा, है ना। तो अभी बाल लीला में हम घुसेंगे। बाल लीला के पहले खटवांग महाराज जो थे, खटवांग महाराज शुद्ध भक्त बने और भगवान के धाम गए, उनके बेटे थे दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के बेटे थे
रघु, ये नाम आपको अलग लगेंगे क्योंकि बीच में तुलसीदास का रामायण पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिलीप का नाम मिलेगा, लेकिन दिलीप तो यहाँ बहुत पहले ही आके गए। रघु के बेटे थे अज, अज के बेटे थे दशरथ, और ये नियम है कि दादाजी को आज भी लोग अज कहते हैं क्योंकि वो राम के दादा का नाम अज था, इसलिए भारत में परिपाटी है कि दादाजी को अजा अजा भी कहते हैं और दादी को अजी कहते हैं। साउथ में तो बहुत फेमस है अजा और अजी कहते हैं। और दशरथ के बेटे हुए जय श्री राम, ना? और फिर लक्ष्मण जी महाराज, फिर भरत भाई, भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी। ये चार लोग यहां से जन्मे। राम प्रभु के दो बेटे हुए लव और कुश। कुश ने अफ्रीका को बसाया, अफ्रीका का राज मिला कुछ को रहने के लिए। लव को लीबिया मिला, लीबिया लव से नाम पड़ा लीबिया। और अफ्रीका को आज भी कुसाइट्स कहते हैं, कितना अफ्रीका को कुसाइट्स कहते हैं वहाँ के निवासियों को, वो लोग खुद कहते हैं कि हम लोग कुसाइट हैं और हम लोग रामायण जानते हैं क्योंकि हम उन्हीं के वंश हैं। वहाँ के स्कूलों में भी यही पढ़ा जाता है कि देर कुसाइट्स, कुछ के बच्चे हैं अफ्रीका के। हरे कृष्ण। खैर, अब हम आते हैं रामायण के। रामायण पता नहीं कितने सेशन अब लगने वाले। जय श्री राम। मिटाने का मन नहीं करा भगवान का नाम, लेकिन भगवान की कथा को विस्तार करने के लिए भगवान का नाम कौन निकालना पड़ेगा, आप मन में रख लीजिए नाम को जय श्री राम। बालकांड। दस मिनट में क्या होगा बात करें, खींचेंगे कल भी लेंगे। बालकांड पे 6 लेक्चर दिए हैं, 10 मिनट में कोई जजमेंट नहीं होने वाला। सबसे पहले रामायण की शुरुआत कैसे हुई, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में। मैं पहले रामायण पे जितने डाउट्स हैं वो ले लेता हूँ, वो आसान ले लेता, बाद में मैं कथा लेता हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि अंदर से प्रेरणा आ रही है कि जितने भी डाउट्स हैं ना वो पहले क्लैरिफाई करते हैं। पहला डाउट, सीता को राम ने क्यों छोड़ दिया, गर्भवती सीता को क्यों छोड़ दिया, गर्भिणी सीता को, बाप रे बाप इतना बड़ा पाप किया राम क्यों छोड़ दिया, जंगल में छोड़वा दिया, रे 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 बहुत बड़ा अन्याय किया। और तो और ये जो अपने संत लोग हैं साउथ के एक सदगुरु जी हैं, वो कहते हैं कि वो इसको घुमा देते हैं, इसका आंसर करते नहीं है ना। अरे आंसर नहीं है तो उनको किसी को पूछ के बाद में करना चाहिए, मतलब पब्लिक में आके अगर उनको हो रहा है बाद में किसी से क्लैरिफाई करके उनको प्रॉपर आंसर देना चाहिए लोगों को। आई एम अहमदाबाद में बोल रहे हो और इसको आंसर नहीं कर रहे हैं, कुछ तो अलग ही घुमा रहे हैं अराउंड द टॉपिक, डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर नहीं। तो ये है कि रामायण जो है इसके आंसर में हम थोड़ा बैकग्राउंड दे रहे हैं। लव और कुश जब वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, तो वाल्मीकि जो थे उस समय की बात, वाल्मीकि ने देखा कि दो चिड़ियाँ जो है घूम रही थी साथ, और एक शिकारी ने एक तीर मारा, क्रौंच की चिड़िया जो थी क्रौंच को अच्छी था, दोनों मर गए। तो उन्होंने माँ निषाद सास्वती त्वम अगवा, तुमको ये निषाद जिसने भी मारा है तुमको प्रतिष्ठा त्वम अगव सास्वती समान, तुमको प्रतिष्ठा शाश्वत समय तक न मिले, घूमते रहो भटकते रहो, भौतिक सुख तुमको कभी जीवन में न मिले, ऐसा श्राप दे दिया वाल्मीकि। तो फिर बोले बाप रे बाप, ने क्या बोल दिया, ओम तपस्वाध्याय निरत तपस्विना वाग्विदाम्बरम नारदम नारदम मुनि पुंगवम। कह रहे हैं कि जो तप और स्वाध्याय में लगे हुए लोगों से नारद ने नारद से पूछा गया। खैर, वाल्मीकि जो है वो जब चिंता में पड़ते हैं तो ब्रह्मा जी आते हैं उसमें, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि चिंता मत करो, तुमने जो श्लोक जिस स्टाइल से कहा है उसी स्टाइल से
नारद का दिया हुआ छोटा सा जो रामायण तुमको पढ़ाया है नारद ने, एक चैप्टर में रामायण पढ़ा दिया, दो चैप्टर, उसको तुम पूरा 24,000 श्लोकों में और पूरा 500 चैप्टर्स में और 7 कांडों में ऐसा उसको एक्सप्लेन करके उसको इलाबोरेट कर दो। तो वाल्मीकि ने कहा, अरे मैं कैसे इलाबोरेट कर सकूँगा, मैंने तो देखा ही नहीं है, मेरे पास तो सीधा ये जानकी आ गई और ये बच्चे हो गए। बोले सुनो वाल्मीकि, पानव काम आमलकीय था, हाथ में रखे आंवले के जैसे तुमको दिखेगा सब कुछ, जैसे वजन फील होता है खा सकते हैं आंवले को, वैसा तुमको सब लीला दिखेगी अपने आँख के सामने एज इट इज दिखेगा। उसको तुम अगर आम को तोड़ लोगे तो तोड़ के खा सकोगे, तुमको ऐसा दिखेगा। उसके बाद वाल्मीकि ने अपने को सूचित किया और जब वर्मा जी को प्रणाम किया वो चले गए। बाद में उन्होंने लिखना चालू किया, रामायण पूरा लिख दिया 24,000 श्लोक। फिर ये लव और कुश को उन्होंने सिखाया कैसे गाते हैं, लव और कुश ने गा गा के उसको चालू किया गाना। और ये लोग जब अयोध्या के नगरी से गुजर रहे थे और ये गाते हुए थे, बड़े सुंदर गा रहे थे, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहु कह ही सुनही बहु विधि सब संता, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पीड़ पड़ी जब भकत पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे, दशरथ के घर जन मेरा, राम सिया राम जय जय राम। ये देख के राम की जो नजर पड़ी, राम कहते हैं ये तो दोनों इतना अच्छा गा रहे, इनको ऊपर बुलवाओ, सभा में बुलवाया गया, उनको व्यासासन दिया गया बैठने के लिए, बोला गाइए, यही गाइए बैठ, वहां पे कौशल्या है, सुमित्रा है, वहां पे लक्ष्मण जी महाराज, भरत जी महाराज, वहां पे श्रुति कीर्ति है, मांडवी है, सब हैं, केवल एक नहीं है वहां पे, जानकी जी नहीं। और वो पूरा कथा कहने लगते हैं, सब लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, राम भी अपना आसन छोड़ के वहां नीचे जाके बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है कि राम के शरीर से दो राम निकल के यहाँ बैठ गए, फिर भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि राम के बच्चे होंगे। सारा कथा उन्होंने कह दिया। जब पैसा लेने की बारी आई तो उन्होंने बोला, गुरु जी ने बोला है पैसा वैसा नहीं लेना है, ये हमारा सर्विस है। और वो लोग वो कथा करके आ जाते हैं। अब आपका पहला डाउट, डाउट नंबर वन, गर्भिणी सीता को भगवान राम ने क्यों छोड़ दिया। पहला बात, 2020 से आप उसको तुलना मत करिए, त्रेता युग है, फर्क क्या है सुनिए। त्रेता युग में अगर कोई स्त्री अपने पति का बुराई सुन ले तो सीधा आत्महत्या ही कर ले। लेकिन 2020 में क्या होता है, वो सुन ले पति का बुराई तो उसमें और मिर्ची लगा के वो उसको ऐड करके सुना दे। लोग ऐसा कहते हैं और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, फर्क है, फेथ का लेवल का फर्क है। तो जो जानकी थी, जो सीता थी, जब ये पता चला, जब ये लोग वनवास से लौट के आए और अयोध्या में एक खबर फैली, एक धोबी ने एक खबर फैलाया था कि मैं उसकी पत्नी कहीं एक रात रह के आई, तो ये कह रहा था मैं थोड़ी ना राम हूँ कि पत्नी एक साल बाहर रहेगी और मैं ले लूँगा। तो राम बस इसको एक सुन करके लक्ष्मण को बोले, तुम सीता को ले जाके महर्षि के आश्रम में छोड़ के आ जाओ, वन में। वन में मतलब ये नहीं कि जंगल में शेर के सामने छोड़ के आ जाओ, आप पढ़िए रामायण, वाल्मीकि रामायण पढ़िए। प्रभुपाद जी कहते थे वाल्मीकि रामायण पढ़ा करिए, जहाँ स्टैंडर्ड है, जिसे सारे रामायण निकले, सबने वही रामायण पढ़ के अपना रामायण लिखा। उसमें लिखा है कि सीता को वाल्मीकि के आश्रम के मुनि पत्नियों के पास छोड़ा गया, इतना तक है। तो सीता जब वहां से निकल रही, वहां पहुंची मुनि के आश्रम में, और लक्ष्मण को जो आखिरी बाय करना था, उस समय कहती है लक्ष्मण को, जाके प्रभु को कह देना कि मैं यहाँ एकदम खुश हूं, अपने प्रभु का अपमान ये मेरे को कदापि सहन नहीं हो सकता, मेरे कारण मेरे प्रभु का अपमान हो कहीं पे, ये मेरे मरने से बदतर है मेरे लिए। मेरे वहां रहने से अगर मेरे प्रभु को अपमान करे कोई, मैं तो मरी जाऊंगा, अच्छा किया कि मैं यहाँ हूं, मैं एकदम खुश हूँ। राम एक बहुत पत्नी को बहुत समझते थे, भगवान ही है सबके मन में जानते हैं क्या है, वो जानते थे कि सीता मेरे अपमान को सहनी, हर एक साधारण भक्त भी भगवान का बुराई नहीं सुन सकता, वो तो सीता है, वो तो भक्तों से भी आगे, भक्तों का सोर्स है। तो
वो सीता कैसे सुनती थी? इसलिए सीता जी ने क्या किया, अपना जंगल में जाना जो है, खुशी खुशी जो है उनको खुशी हुआ कि मैं यहाँ पे हूँ, अब मेरे पति को कोई बदनाम नहीं कर सके। और राम ने सीता को इसलिए भेजा है कि सीता जिंदा रह जाएगी, अगर मैं अपने पास रखूँगा तो रात में ही फांसी लगा लेगी, मर जाएगी, है ना, कुछ हो जाएगा, इसलिए इसका जंगल जाना जरूरी है, इसका बचना जरूरी है। लेकिन आज के जो मूर्ख कमेंटेटर्स हैं और जो हिंदू लोग हैं जो अपने रामायण को नहीं पढ़े हैं, और ये जो मूर्ख बाबा लोग हैं जिनको खुद रामायण पता नहीं है और कमेंट्री कर रहे हैं, लोगों को क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, खुद तो गुमराह हैं ही, लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। अंधा था अंधेर उपनीय माना तेपुष तंत्रिया उरुदामनी बद्धा पतंती अद्धा। दो अंधे हैं, एक अंधा दूसरे को रास्ता दिखा रहा है, अगला वाला अंधा गड्ढे में गिरने वाला, और जो पीछे वाला उसको हाथ पकड़ के वो भी गिरने वाला। गुरु भी गड्ढे में, चेला भी गड्ढे में। पढ़िए शास्त्र, शास्त्र में सब ज्ञान दिया हुआ है ना। और गर्भिणी सीता को राम ने इसलिए छुड़वाया कि राम चाहते थे सीता बचे, और छोड़ने के बाद सीता खुश थी, और सीता अपने गुरु पत्नियों के आश्रम में थी, कहीं रास्ते पे नहीं थी। और जितना मेडिकल फैसिलिटी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में होगी उतना आज के किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं होगी, फॉर योर का इन्फॉर्मेशन। क्योंकि वाल्मीकि मुनि के पास ऐसे ऐसे टेक्निक थे शास्त्रों के, वेदव्यास के पास तो ऐसा था कि जो उन्होंने कौरवों को एक गर्भ को 100 बना दिया था, वो भी घी के घड़े में डाल, आज तो कोई नहीं कर सकता। एक गर्भ को 100 गर्भ बनाना तो एम्स के डॉक्टर नहीं कर सकते। एक मतापुरकर करके एम्स के डॉक्टर हुए, जो उन्होंने उस टेक्निक को कॉपी किया और एक पेटेंट करवाया, है ना, लेकिन एक से 100 नहीं बना उससे, उन्होंने एक को ही ग्रो करके दिखाया, लेकिन वेदव्यास जी ओरिजिनल 100 ग्रो करके। तो वाल्मीकि तो महाऋषि थे, और ये सारे औषधियाँ और जड़ियाँ बूटियाँ दवाइयाँ तो उनके घर पे ही थी। तो सीता वाज इन कम्प्लीट सेफ प्लेस, डाउट वन क्लैरिफाइड। कल हम और डाउट्स लेके आएंगे, और पूरा रामायण के जितने डाउट्स हैं जहाँ जहाँ, और जो जो लेसन्स हैं वो हम देखते रहेंगे, जब तक चलेगा चलेगा, शायद कल और परसों दो दिन चलेगा, उसके बाद फिर हम रामायण से आगे अयाति के स्टोरी में जाएंगे। अयाति से मॉडर्न सिविलाइजेशन कैसे निकले, मुसलमान जीव क्रिश्चियंस सब अयाति के निकले हुए सब चीज़ें। और ये मैंने कृष्णा गॉड ऑफ ऑल रिलीजन्स, ये मेरे 6 लेक्चर्स में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि कैसे जितने जीव हैं, जितने क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, सब अयाति से निकले बच्चे हैं। जो मुसलमान अपना ओरिजिन जानना चाहते हैं, भागवत के 9वें स्कंद के अयाति का पास्ट टाइम पढ़ें, और ये 6 लेक्चर्स जो मेरे हैं वो सुने, और अगर कोई प्रश्न है तो ज़रूर बढ़ाएँ, आपको हम ज़रूर मदद करेंगे, इसमें सेवारत रहेंगे हमेशा। हरे कृष्णा। कल 9:30 बजे और डाउट्स के साथ आएंगे, आप क्वेश्चंस लिख के भेजिए, जितना क्वेश्चंस रहेगा उतना आंसर करने में अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा। अरे बाहर ही था, आवाज़ नहीं, आवाज़ का कुछ आया मैसेज, आवाज़ नहीं आया, कमेंट खाली रहेगा।